Good morning class, this is our new pathology class in which today we will study about the cellular events of inflammation. In our previous class we study about the vascular events of inflammation, in which I told you that cellular events like neutrophils, margination, emigration are the cellular events which also going on इन द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन. तो जो इन्फ्लामेशन के प्रोसेस में हमने बोला कि ल्यूकोसाइट जैसे न्यूट्रोफिल, क्योंकि एक्यूट इन्फ्लामेशन में तो ल्यूकोसाइट्स ही होती हैं, तो ल्यूकोसाइट्स वगैरह जो है वो उनका मूवमेंट, उनके इवेंट्स जो है वहाँ पे चल रहे होते हैं, इसको अपन सेलुलर इवेंट्स कहते हैं. इसमें भी दो प्रोसेस होते हैं, पहला एक्जुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स और दूसरा फैगोसाइटोसिस. और ये एक्जुडेशन क्या होता है, ये अपने वैस्कुलर इवेंट में पढ़ा था, बताया था ना मैंने, वो एमिग्रेशन हो रहा था, एंडोथेलियल गैप के अंदर से वो निकल जाते हैं, वो एक्जुडेशन ही था. तो एक्जुडेशन चलता है और फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस वहाँ पे चलता है. अब ल्यूकोसाइट्स का एक्जुडेशन देखो, चेंजेस इन द फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड में जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं उनके चेंजेस आने लग जाते हैं. अब क्या क्या चेंजेस आते हैं तो याद करिए, देखिए पहला रोलिंग एंड एडेशन, दूसरा एमिग्रेशन, तीसरा कीमोटैक्सिस. रोलिंग, एडेशन, एमिग्रेशन, कीमोटैक्सिस. इसमें देखिए ब्लड वेसल का डायग्राम जिसमें आपको नॉर्मल एक्सियल फ्लो दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद नॉर्मल एक्सियल फ्लो में आपको दिखाई दे रही है कि जो सेल्स एकदम सेंटर में चल रही है. दूसरा स्टेप है मार्जिनेशन पेवमेंटिंग, जिसमें सेल्स जो है वो किनारे की तरफ जा रही हैं, सेंटर की जगह पर किनारे पर पहुंच गई. तीसरा रोलिंग हो रहा है सेल्स का, तो देखो ये न्यूट्रोफिल को देखो गोल गोल घूमती घूमती जो है किनारे में पहुंच गई, चिपक गई. रोलिंग एडहेशन, और फिर ये यहाँ से स्पेस, एंडोसेलुलर स्पेस से लीक हो गई, यानी एमिग्रेशन और डायपेडेसिस. ठीक है, एमिग्रेशन और डायपेडेसिस के लीक होकर के बाहर निकल गई, ये ल्यूकोसाइट्स का मूवमेंट है. अब ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो हैं ब्लड के, उनमें कैसे चेंजेस होता है, तो सेल्स में सेंट्रल स्टीम होती है वो ल्यूकोसाइट्स RBCs की बनी हुई होती है, और पेरिफेरल सेल जो है वो फ्री लेयर है प्लाज्मा के लिए, जो कि ब्लड वेसल के, वेसल वॉल के एकदम पास, मतलब ब्लड वेसल वॉल के एकदम पास में प्लाज्मा पाया जाता है और सेंटर में सभी सेल्स पाई जाती हैं. बाद में जो सेंट्रल स्ट्रीम है सेल्स की वो वाइड हो जाती है, पेरिफेरल प्लाज्मा जोन जो है वो नैरोवर हो जाता है और प्लाज्मा का लॉस होने लग जाता है एक्जुडेशन के रूप में. इस फिनोमिनन को अपन मार्जिनेशन कहते हैं, क्योंकि चीज़ें किनारे पे पहुंच गए, भाई सेल्स वगैरह सब किनारे पे पहुंच गई हैं. न्यूट्रोफिल सेंट्रल कॉलम से वेसल वॉल के एकदम पास आ जाता है, इसको अपन कहते हैं पेवमेंटिंग. न्यूट्रोफिल का वेसल वॉल के पास आ जाना, सेंटर से निकल करके पेरिफ्राई पे आ जाना, किनारे पे आ जाना, क्या कहलाता है, पेवमेंटिंग कहलाता है. और सेल्स का वाइडन होते हुए पेरिफेरल प्लाज्मा जोन में पहुंचना और फिर वो प्लाज्मा जोन का नैरोवर हो जाना और प्लाज्मा का लॉस होना क्या कहलाता है, एक्जुडेशन के द्वारा लॉस होना मार्जिनेशन कहलाता है. सेकंड स्टेप हमने बोला रोलिंग एडहेशन, इसमें क्या होता है जब पेरिफेरल मार्जिनेट हो जाती हैं सेल्स, पेमेंटेड सेल्स हो जाती है, जो न्यूट्रोफिल और मार्जिनेट होकर के पेमेंटेड हो जाती है, तो स्लोली ये रोल ओवर गोल 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 घूमती रहती हैं उस एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर वेसल वॉल की लाइनिंग में, इसको अपन रोलिंग फेज कहते हैं. फिर ट्रांजिएंट बॉन्ड बन जाता है ल्यूकोसाइट्स और एंडोथेलियल सेल्स का, यानी एक दूसरे से एकदम चिपक जाती है टाइटली, इसको अपन कहते हैं एडहेशन फेज. फिर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रोलिंग और एडहेशन फेज में, उनका सेलेक्टिन, इंटर इंटीग्रेंस, इम्यूनोग्लोबुलिंस, जीन्स वगैरह भी वहाँ पर इसी तरह से रोलिंग और एडहेशन उनका भी हो रहा होता है न्यूट्रोफिल के अलावा. फिर एमिग्रेशन, ये उस पार्ट से बाहर निकल रही होती है, जैसे न्यूट्रोफिल चिपक जाती है एंडोथेलियम के ऊपर, एंडोथेलियल सरफेस पर अच्छे से मूव करके सूटेबल साइट देखती है एंडोथेलियल सेल्स के बीच की, अगर उसको जैसे ये साइट मिल जाएगी तो न्यूट्रोफिल उसके अंदर से थ्रू आउट हो जाती है साइटोप्लाज्मिक स्यूडोपोड के द्वारा. अपने पैरों को बाहर निकालते हैं, स्यूडोपोड मतलब आभासी पैर, अपने पैरों को साइटोप्लाज्मिक स्यूडोपोड्स जो है वो बाहर निकालती है और खुद वहाँ से ऐसे लटक जाती है, क्रॉस कर जाती है फिर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को, और उस जगह पर लोकल डैमेज भी कॉज करती है कोलाजिनेज वगैरह के द्वारा, और ये एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में पहुंच जाएगी. इस प्रोसेस को अपन कहते हैं एमिग्रेशन, बाहर निकलना एमिग्रेशन.
यही एमिग्रेशन डायपेडेसिस कहलाता है अगर वो रेड सेल के द्वारा हो रहा है। न्यूट्रोफिल या WBC से हो रहा था तो हमने एमिग्रेशन कह दिया, और रेड सेल जब एस्केप होती है इन गैप के द्वारा, गैप के थ्रू एंडोथेल सेल्स के बीच में जो गैप आ गया उससे जब रेड सेल्स निकल रही है तो उसको अपन डायपेडेसिस कहते हैं। ये एक पैसिव फिनोमिनन है जिससे कि HP बढ़ जाता है और हेमरेजिक कंडीशन उस इन्फ्लामेटरी एक्जुडेट में दिखाई दे रही होती है कि हेमरेज हो गया। अब कीमोटैक्सिस क्या होता है? केमिकल की तरफ माइग्रेट करना, मूवमेंट करना, टैक्सिस मतलब मूवमेंट। तो जैसे एक्स्ट्रा वासेशन हो जाता है ब्लड से, ल्यूकोसाइट्स माइग्रेट हो जाती हैं इन्फेक्शन की या इंजरी की साइट पर, और ये जो माइग्रेशन हो रहा है वो माइग्रेशन केमिकल ग्रेडियंट के अलोंग होता है, मतलब जहाँ केमिकल रिलीज हो रहा होता है वहाँ पर ये माइग्रेट होती हैं। जो ल्यूकोसाइट्स माइग्रेट हो रही हैं वो कहाँ होंगी? जहाँ पर केमिकल रिलीज हो रहा होता है। तो केमिकल ग्रेडियंट के अलोंग माइग्रेशन को हम कीमोटैक्सिस कहते हैं, यानी केमिकल मूवमेंट। यहाँ पर ये कई सारे बैरियर्स को क्रॉस करते हैं, सेंडोथीलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, पेरिवेस्कुलर मायोफाइब्रोब्लास्ट और मैट्रिक्स वगैरह को क्रॉस करती है। कीमोटैक्टिक सबस्टांसेस वहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं, या उनको अपन कीमोकाइंस कह सकते हैं न्यूट्रोफिल्स के लिए। ये न्यूट्रोफिल में आर लिख लेना भाई, गायब हो गया यहाँ पे। तो कीमोकाइंस जो होता है वो न्यूट्रोफिल्स को अपनी तरफ अट्रैक करते हैं, कहने का मतलब ये है। नीचे इनका नाम दिया, ल्यूकोट्राइन, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के कॉम्पोनेंट, साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिंस वगैरह, वो केमिकल्स हैं जो कि न्यूट्रोफिल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये देखो, ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ये ल्यूकोसाइट्स दिखाई गई है, इंटीग्रिन वगैरह वहाँ पर आ गए लो एफिनिटी स्टेट के। अब ये गोल गोल घूमती हुई रोलिंग करती हुई जा रही है, इंटीग्रेशन कीमोकाइंस के द्वारा इंटीग्रिन एक्टिवेट हो गई हैं, स्टेबल रिएक्शन चल रही होती है। ये इंटीग्रिन देखो एफिनिटी यहाँ चिपकते हुए दिखाया गया है, माइग्रेशन एंडोथीलियम के ऊपर हो रहा है, साइटोकाइंस मैक्रोफाज वगैरह दिखाए गए, मैक्रोफाज से साइटोकाइंस निकल रहे हैं, माइक्रोब के साथ मैक्रोफाज दिखाए गए, माइक्रोब को खा गई हैं ये। तो ये सारे कीमोकाइंस देखो, ये पिंक पिंक के अंदर कीमोकाइंस यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ये केमिकल्स पहुँच रहे हैं, ये न्यूट्रोफिल्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब लास्ट स्टेप है इसका फैगोसाइटोसिस, इसमें क्या हो जाता है, मैक्रोफाज सॉलिड पार्टिकल्स को खा जाती हैं, एंगल्फमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स मटेरियल बाय द सेल्स, सेल जो होती है सॉलिड पार्टिकल्स को खा जाती है, कौन सेल्स, मैक्रोफाज। दो मेन तरह के फैगोसाइटिक सेल्स होती है, एक तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स और दूसरी मैक्रोफाज। PMNs जो होती है ये अर्ली एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में दिखाई देगी, जिसको अपन माइक्रोफाज भी कहते हैं, न्यूट्रोफिल्स वगैरह। और मैक्रोफाज सर्कुलेटिंग मोनोसाइट्स होती है जो फिक्स टिश्यू मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स कहलाती हैं। ये फैगोसाइटिक सेल्स जो होती है वो प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स को रिलीज करेगी, जैसे लाइसोजाइम, प्रोटीज, कोलाजिनेज, इलास्टेज, लाइपेज, प्रोटीनेज, जिलाटिनेज और एसिड हाइड्रोलिसिस, ये केमिकल्स वहाँ पर रिलीज होते हैं। अब माइक्रोब्स का जब फैगोसाइटोसिस होता है उसमें तीन स्टेप्स होते हैं, पहला रिकॉग्निशन अटैचमेंट, दूसरा एंगलमेंट, तीसरा क्लिंग एंड डिग्रेडेशन। सबसे पहले जो मैक्रोफाज है वो माइक्रोब को पहचानेंगी और उसको अपने ऊपर चिपका लेगी, फिर उसको खा लेगी और फिर उसको किल करके उसको तोड़ देगी। डायग्राम में देखिए, ये IgG ऑप्सोनिन FC फैक्टर्स, या ऑप्सोनिन जो होता है वो माइक्रोब को स्टेबल बनाता है ताकि उसको आराम से खाया जा सके। और ये बड़ी सी गुलाबी रंग के अंदर क्या दिखाई गई है, मैक्रोफाज दिखाई गई, लैक्टिन वगैरह रिलीज करते हैं। तो पहले तो ये चिपक गया, पहले इसको पहचाना, पहचान कर इसको अपने ऊपर चिपका लिया, फिर इसको एंगल्फ कर रही है। सेकेंड डायग्राम में बी में देखो एंगल्फमेंट, ये स्यूडोपोड निकालती है, इसका एंगल्फमेंट करती है और वहाँ से डीग्रेन्युलेशन होता है, किलिंग और डिग्रेडेशन होगा, आगे फैगोसाइटिक वैक्यूल बन जाता है और आगे जाकर फैगोलाइसोसोम आते हैं और उसको तोड़ देते हैं। रिकॉग्निशन अटैचमेंट फैगोसाइट जो होती है वो मैक्रोफाज पर सरफेस रिसेप्टर्स को एक्सप्रेस करके इस प्रोसेस को इनिशिएट किया जाता है। बाद में आगे जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर स्पेसिफिक प्रोटीन्स चढ़ जाते हैं उसको स्टेबल बनाने के लिए, उन प्रोटीन्स को अपन ऑप्सोनिन कहते हैं, ये प्रोसेस ऑप्सोनाइजेशन कहलाता है। ये पूरा मैकेनिज्म आपने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ा था, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में पढ़ाया गया था आपको। एक बॉन्ड बन जाता है बैक्टीरिया और फैगोसाइटिक सेल मेम्ब्रेन के बीच में। अब मेजर ऑप्सोनिन्स कौन कौन से हैं, IgG, C3b और लैक्टिन्स वगैरह। फिर एंगल्फमेंट, साइटोप्लाज्मिक स्यूडोपोड बनेंगे, मतलब ये अपने ऐसे पैर, हाथ पैर से बना लेगा, निकाल लेगा उसको पकड़ने के लिए पार्टिकल को।
एक्टिन फिलामेंट को सेल वॉल की चारों तरफ एक्टिवेट करके ऐसा प्रोसेस चलता है। इवेंचुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सेलाइज्ड हो जाती है, फ्यूज होती है लाइसोसोम्स के पास, इसको फेगोलाइसोसोम कहते हैं। अब किलिंग डिग्रेडेशन, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया जाता है एंटीबैक्टीरियल सबस्टांसिस के द्वारा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम द्वारा फिर उसको डिग्रेड कर जाता है। कई बार इस ये प्रोसेस फेल हो जाता है उस माइक्रो को किल और डिग्रेड करने के लिए, जैसे ट्यूबरकल बेसिलाई मरते ही नहीं, मैक्रोफाज के अंदर डिलीट होता है, मैंने आपको टीबी में पढ़ाया था, तो तब ये मैकेनिज्म फेल हो जाता है। फिर फाइनली उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्पोज कर देता है इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म या एक्स्ट्रा सेलुलर मैकेनिज्म के द्वारा। ऑक्सीडेटिव बैक्टीरियसाइडल मैकेनिज्म ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स के द्वारा चलती है, जो कि एम्पियर डिपेंडेंट एम्पियर इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। और एक्स्ट्रासेलुलर मैकेनिज्म में ग्रेन्यूल्स और इम्यून मैकेनिज्म्स आती है, बाकी इसको आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस दिखाया गया है, ये फैगोसाइटिक रिसेप्टर्स हैं जो कि माइक्रोब इन फैगोसाइटिक रिसेप्टर पर यहाँ बाइंड हो गया, फिर इसका एंगल्फमेंट हो रहा है, ये फैगोसाइटिक मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जिप अप हो जाती है, माइक्रोब के चारों तरफ घेर लेती है, माइक्रोब इंजेस्ट कर जाता है फैगोसोम के द्वारा, फैगोसोम इंजेस्टेड माइक्रोब के द्वारा फैगोसोम इंजेस्ट हो गया, लाइसोसोम एंजाइम के साथ में आ रहे हैं, फ्यूजन हो रहा है फैगोसोम का लाइसोसोम के साथ में, जिससे कि फैगोलाइसोसोम बन जाते हैं। और फिर फाइनली माइक्रोब की किलिंग होती है ROS और नाइट्रिक ऑक्साइड के द्वारा। इसके बाद डिग्रेडेशन हो जाता है माइक्रोब का लाइसोसोमल एंजाइम के द्वारा, फैगोलाइसोसोम के अंदर तोड़ दिया जाता है इसको, ख़त्म। यहाँ पे आपका वैस्कुलर सेलुलर इवेंट्स यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, यानी इन्फ्लामेशन का जनरल मैकेनिज्म ख़त्म। लास्ट क्या है, एक्यूट इन्फ्लामेशन का आउटकम, जो मैंने आपको बोला था फ्लो चार्ट के अंदर अपनी वैस्कुलर इवेंट की क्लास के अंदर के आउटकम निकलेगा। क्या आउटकम निकलते हैं भाई, 5 तरह के आउटकम होते हैं, रिजोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन हीलिंग, 4 तरह के, रिजोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन हीलिंग और प्रोग्रेशन टू क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। रिजोल्यूशन में नॉर्मल स्ट्रक्चर रिस्टोर हो जाती है क्योंकि लिमिटेड इंजरी हुई है, केमिकल सबस्टांसेस न्यूट्रलाइज कर दिए जाते हैं, वैस्कुलर परमिटिविटी नॉर्मलाइज हो जाती है, इन्फ्लामेटरी सेल्स का एपोप्टोसिस हो जाते हैं यानी उनको मार दिया जाता है, और लिम्फेटिक ड्रेनेज हो रहा होता है। अब स्कार के द्वारा हीलिंग में टिश्यूज डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, फाइब्रिनस इन्फ्लामेशन होता है, प्यूरुलेंट इन्फ्लामेशन होता है यानी एब्सेस फॉर्मेशन होगा, पस ये पायोजेनिक मेम्ब्रेन के द्वारा रिजॉर्प्शन स्यूडोक्सेंथोसोमा सेल्स कुछ हफ्तों से कुछ महीने ले लेती है। इसके बाद लास्ट प्रोग्रेशन टू इनटू क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, ये सिचुएशन बढ़ती हुई क्रॉनिक इन्फ्लामेशन तक पहुंच जाएगी है। ब्लड वेसल्स फ्लड प्रोटीन का लीकेज हो रहा है, मोनोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स वगैरह आपको दिखाई दे रही हैं, दोनों मिलकर के नेक्रोटिक टिश्यू माइक्रोब्स को किल कर रही होती है, फैगोसाइटोसिस का क्लियरेंस करती है टिश्यू, नेक्रोटिक टिश्यू और माइक्रोब्स का। लिम्फेटिक ये जो फ्लड प्रोटीन का लीकेज हो रहा है लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर चला जाता है, जिससे कि एडिमा फ्लूइड का ड्रेनेज हो रहा होता है और प्रोटीन्स जो है लिम्फोसाइट्स के अंदर जा रहे होते हैं। ये न्यू ब्लड वेसल्स बनती है ग्रोथ फैक्टर के द्वारा, फाइब्रोब्लास्ट बनता है, रिपेयर का मैकेनिज्म चलता है। ये ल्यूकोसाइट्स के होने वाले इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर के एग्जांपल जैसे ARDS न्यूट्रोफिल से होता है, एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट्स का रोल होता है इसमें वगैरह, आप सारे खुद से पढ़ लीजिएगा। इसके साथ में ही आपका ये इन्फ्लामेशन एक्यूट इन्फ्लामेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद इसके केमिकल मीडिएटर्स रह जाते हैं जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे।